गाइज आमना ना एक्चुअली इमोशनल हो गई. आपको पता है आमना क्रिकेट के लिए काफी इमोशनल है. जीत गए मॉम जी. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. टुडे वी आर एक्साइटेड टू क्रिएट हिस्ट्री इन ऑस्ट्रेलिया. एज यू गाइस नो आज है पाक वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का तीसरा ODI. लेकिन हम किधर जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अभी हम आपको यार बताना नहीं था, अभी हम बताते हैं यार थोड़ा सा. अभी हम आपको जाकर गाड़ी में बैठते हैं और बैठोगी इंशाल्लाह एक दिन. हम आओ मेरी गाड़ी में बैठो. बैठे होते हैं सुबह पुलिस में ऐसा लेके आते हैं और घर आते हैं फिर मैच स्टार्ट करते हैं. वैसे भी बेटा आएंगे ना तो मैच स्टार्ट होगा. आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान ने चूज किया बॉलिंग. पाकिस्तान टॉस जीते और चूज किया बॉलिंग. होप फॉर द बेस्ट. आज भी हमारे रऊफ भाई, शाहीन भाई और नसीम शाह ऐसे ही चले इंशाल्लाह. और हसनैन भाई भी फॉर श्योर. गाइस आज एक मैंने डिसीजन लिया. मैंने सोचा है हमने गाड़ी निकाल सिर्फ पीछे कर. उसके बाद मैंने सोचा मैंने क्या बोल दिया इसको. हमने प्लीज मारना मत, पीछे पीछे करो, पीछे सीधी पीछे लेके आ, सीधी सीधी. आप काट पूरा काट, काट ले पूरा काट. पाऊँ आहिस्ता रख, आहिस्ता रख. ले जा आगे ले जा. बस. बॉस गाना नहीं आगे याद आ रहा. और चला के आ रही है. एक दिन इसी तरह ही देखना मैं अपनी जीवन में. ना मुझे लगता है तूने बिल्ली नीचे. नहीं 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 चल ना यार मैच शुरू हो जाएगा. तो चलो गाइस अब हम आपको जाके मिलते हैं क्योंकि 5 मिनट का व्लॉग इधर हो गया. हमारा क्रिकेट वन डे है. इट्स ओके आज एपिसोड बनाएंगे पूरी. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. कितना सीधा सीधा. अरे हट जाओ सारे. अगर शाहीन ने विकेट ली हुई ना तो फिर रोला ही है. मैं पहले वापस आके उस बंदे को कहूंगी कि भाई बहुत देर कर दिया यार उसने. 15 मिनट लगा दिए हमें देने में. भाई हमसे बात बात में इतने लोग आ रहे थे वो भी लेके जा रहे थे. मेरा तब चढ़ गई थी मुझे यार. मेरा बेटा शाहीन चढ़ नहीं हट रहे. अभी तक तो नसीम शाह का दूसरा ओवर भी खत्म हो गया होगा, शाहीन का चौथा ओवर भी. चलो तुम बोलती रहे मैं जा रही हूँ. ये हमने यहाँ से हिला हुआ इडियट. चलो पहले रिएक्शन देखें. व्हाट इज दिस? कुछ नहीं एक विकेट हो गई है. किसने विकेट ली है? नसीम शाह ने ली है. 4 ओवर है ना. स्लिप पर मेरे 4 फील्डर. अभी देखना इंशाल्लाह इस ओवर में एक और विकेट आएगी. भाई को बॉल ही नजर नहीं आ रही. भाई ने कहा शायद छोड़ देंगे यार. किस मेरा भी मूड है एकदम से. रबिश. हमने क्या हुआ, क्या हुआ हमने? Disappointed, very disappointed. बहुत आपको व्लॉग इसके एकदम से एक्सप्रेशंस चेंज होते हुए आपको नजर आए होंगे. लाइक शाइन पॉइंटेड रिजवान, हालांकि वो कैप्टन है कह नहीं सकते, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट ज़रूर करेंगे जब शाइन ने विकेट लेकर रिजवान की तरफ पॉइंट किया. जो हम नाश्ता लेने गए थे गाइस, हलवा पूरी, मुझे इतने टाइम से इसकी क्रेविंग हो रही थी ना. तो उसके बाद चले हम खाते हैं, उसको साथ मैच भी इंजॉय करते हैं. अचार देखना तबरुक दी है. ये नसीमे. ओ नो लुक रिएक्शन. ओ बेटा शहजादा जिगर लगा है. बेटा बॉलर्स आया आया बेटा
बॉलर्स। हमारे हेडर जरा तबीयत खराब है तो इसलिए, लेकिन मैक्सवेल को तीसरी तीसरी दफा किया वो भी हारिस स्ट्रोक ने। तीनों तीनों मैं उसमें हर स्ट्रोक का लेवल तो ऊपर है ना। किसका लेवल ऊपर है? छोड़े बोस किसका लेवल ऊपर है? क्योंकि गाइस हमारे लिए थोड़ी देर पॉर नैप लेना ज़रूरी था। हाँ, मैं तो फ्रेश मैच देख रही थी, पता ही नहीं चला। हमें पता नहीं ये कब, अच्छा हम जब देख रहे हैं ज़्यादा आउट ही नहीं हो रहे थे, बस छः पे अटक गए थे। हमने कहा यार अब लगे हुए, मुझे लग रहा थोड़ा मैच अब जाएगा। मैंने कहा हम हैदर के साथ लेते हैं, ज़्यादा स्कोर खाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा था भाई। उसके बाद जैम्पा खेल रहा था जब हम आउट हुए, सोई हूँ, लगता है उन्होंने दस्ती विकटें ली हैं सारी और मैच हो गया। 140 पे मैं, अब बैटिंग शुरू हो गया पाकिस्तान की, और बिला और साइम ही खेल रहे हैं। 141 का टारगेट है गाइस, मैं यही कह रही थी ना 150 से ऊपर ना जाए। क्या टीम बन गई, वन साइडेड जीत रहे हैं। अल्लाह अभी तो नहीं जीत रहे, अभी नहीं जीत रहे, चुप कर जा। वन साइडेड पिछला मैच था, कोई भी पड़ जाता है, चुप कर जाओ। सेंचुरी का वेट करती रहेगी, पावर ब्रेक की नौबत ही नहीं आई तीनों मैचेस में। कोई बात नहीं बाबू भाई, आप T20 भी आ रहे हैं आगे। हाँ T20 कर लेंगे इंशाल्लाह, परफॉर्म करेंगे T20 में। ये ना हो कि वन साइडेड रहे ना हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले किसी तरह ये आउट हो जाए। साइम ही आउट हो जाए भाई, अपनी पिच पे स्ट्रगल कर रहे हैं। यार मैंने कह रही हूँ ना, आप एक स्पिनर लगाओ, हो जाएंगे छक्के मारेंगे स्पिनर को बेटा, इतना धोएंगे ना, इसलिए तो नहीं लगा रहे। क्यों नहीं लगा रहे स्पिनर? ये 13वां ओवर है, लगाओ स्पिनर, इतनी हिम्मत है तो लगाओ स्पिनर, साइम के आगे लगाओ ना, इतने छक्के मारेगा ना बेटा, लेट के छक्के मारेगा तुम्हें, समझ आइए। लगाओ अपना जैम्पू, उसने तो वैसे भी मार दिया, नो लुक मारी है, मिचेल स्टार्क को मारी थी बेटा, जो स्टार्क को मार लेना उसके सामने ये कोई नहीं। और जैम्पा का एक कवर लगाया था उसने, जैम्पा को कितना धोया था, बाबर के आगे लगा दिए थे किसी तरह, बाबर आउट हो जाए। बाबर ने भी फिर कहा जैम्पा को अभी आज ना मारा तो फिर कभी नहीं मार सकूंगा। ये जैम्पा को क्या, ऑस्ट्रेलिया की टीम को क्या हो गई, पर मामा इनकी रूहें चेंज हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं ले सकते मामा, इनको जरूरत ही नहीं है, इनको जरूरत ही नहीं है। हाँ क्योंकि क्रिकेट पे बात करते हैं, बहुत हमारे बुश में घुसने नहीं देंगे, हमें हार्ड है प्लीज, ताकि हम यहाँ पे सर पकड़। यार मामा ये पाकिस्तानी टीम बन गई है ऐसा लग रहा है। इन्होंने तुम हमारे अंदर आ जाओ, हम तुम्हारे अंदर चले जाते। और दूसरा कैच छोड़ा उन्होंने, साहिब को छोड़ा, अब्दुल्ला को छोड़ा, अब्दुल्ला का पहले साइम को छुटा कैच, और सीधे कैच ऐसे और ऐसे करके, ऐसा लग रहा है ऐसे किया, ओ छूट गया, अब छूट गया। फील बैड फॉर जैम्पा, वैसे तो ये बंदा मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, एक आंख नहीं पाता, आई डोंट लाइक, पता नहीं क्यों, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम में मुझे यही बंदा नहीं पसंद। आ जाता फौरन, मुझे ना वर्ल्ड कप से ट्रॉमा हो गया, एंड के लगा के आ जाता था, और मतलब आते साथ ही इसने विकटें लेना शुरू कर देनी और ये पागल हो जाना है। यार भाई ये बंदा ठीक नहीं है। अब्दुल्ला आउट हो गए, यार ये मोरेस उस वक्त से मुझे ना थोड़ा ना टेढ़ा लग रहा था, मैं कहती यार इसको लगाया ही किसी और मकसद के लिए। बाबर भाई आएंगे अब, मुझे नजर नहीं आया आदमी, ठीक है मैं जब आया होगा मैं सोई होंगी, ठीक है उस वक्त ही आया, पूरे मैच ही नजर नहीं आया, अचानक इसको अगर दिया ठीक है, और मतलब मुझे लग रहा था कुछ टेढ़ा टेढ़ी हरकत करेगा। अब देखो यार बाबर क्या करता है, बाबर भाई आके क्या मतलब क्या माइंडसेट से खेलते हैं, ताला वही फिनिश करके जाएंगे, आज फिनिश करके जाएंगे, बस 50 कर जाना तो मेरे एक दिल को सुकून है। सेंचुरी तो ऑब्वियसली नहीं हो सकती, इतना तो स्कोर ही नहीं खाया ना इन्होंने, 140 का स्कोर होता है ओडीआई में, तो इन्होंने जो है ना क्या कहते हैं 140 खाया है, तो वो 80 तो वो दोनों गरीब के बच्चे करके, अब साथ साइम है और बाबर भी है, तो मैं तो कहती हूँ दोनों शुरू हो जाओ। हमारी टीम अचानक क्या कर रही है, ये क्या हो रहा है, ये वही टीम ये क्या हो रहा है, वही टीम को बैक टू बैक विकेट्स गिर गई हैं, ये बैक टू बैक विकेट्स गिर गई है बॉस, ये क्या हो गया, इन्होंने थ्रिल जरूर डालना होता है। मैं तो कह रही यार व्लॉग नहीं करती अब, मैं डिस्कशन करूंगी जीत जाएंगे, तो मैंने कहा था ना अभी सब्र कर जाओ, इनका कुछ हो गया साइम, ये और साइम ये क्या किए यार। रिजवान आएगा ना अब देखो ये दोनों कैसा खेलते हैं, रिजवान आएगा अभी पिच पे,
डांस गाने लगेंगे, पार्टी होगी इधर, सारे नाचेंगे। नो ऑस्ट्रेलियन बैटर स्कोर्ड अ सिंगल 50 इन दिस ओडीआई सीरीज। रिकॉर्ड है ब्रो, रिकॉर्ड है ब्रो, लाइक फीलिंग सो स्पेशल। हमेशा स्पेशल ही करते हैं हम, या तो वर्स्ट स्पेशल कर देते हैं या बेस्ट स्पेशल कर देते हैं। अजान हो रही है, फिर मिलते हैं, फास्ट हो जाना चाहिए और छक्के छुके मार के मैच खत्म कर दो। हाय हाय रिजी भाई, मजा आ गया। हम छक्के को गक्का बोलते हैं। लो बीबी, मेरा बीबी बहुत बीमार है, उन्होंने फिर जैम्पा लगा दिया। जान के करते हो ना, तुम चाहते ही नहीं हो। यू वांट टू सी दैट अगेन, यू वांट टू सी दैट सिक्स अगेन। इस बार कह रहा मैं वो लेके आने के, वो पता नहीं क्यों पूरी हुई नहीं, रात पूरे होने दो। हो गया हो गया हो गया। जाते हुए नहीं देखना चाहते। ओए वो देख, 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 वो देख। ये सब कोई ऐसे मिलते, देखना देखना। ओए 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 ओए, वी क्यूट। मैं डाल नहीं सकूंगी, मैं भी ब्लर कर दूं थोड़ा सा, क्योंकि इस पे आ जाएगा। एज अ कैप्टन पहली सीरीज विन की है इसने। हाँ, और वो इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, बोलो आप, बोलो। जो कह रहे थे कि तुम तो नहीं कर सकते, तुम तो नहीं कर सकते, ये तुम लोग क्यों किया? आप रिजवान की जगह नहीं बन रही तो नहीं बन रही। और तुम लोगों को कौन ये स्क्रिप्ट लिख कर देता है कि भाई ये बोलना है? पाकिस्तानी नशे करके बोलते हैं ब्रो। You wanna see that again? You wanna see that again? Champions Trophy से पहले इन्होंने कम बैक कर लिया अपना। अब तुम सब अपना अपना देख लो, हमारी टीम आ गई रिदम में, यूनिटी में। सही बात है यार, दिल खुश कर दिया यार। क्या स्क्वाड बनाया यार, याद कर लास्ट टाइम जब हम पीक पे थे यही स्क्वाड था, बस चला था उस टाइम में। हाँ ना, जीत गए ऑस्ट्रेलिया से 22 साल बाद। ऑस्ट्रेलिया के होम में किसी ने उससे सीरीज जीती है 22 साल बाद। 22 साल बाद उससे पहले किसने हराया था? इमरान खान ने या किसी और ने? मेरे ख्याल में आपको याद है? नहीं, आई थिंक सो इमरान खान, आई थिंक सो, मुझे नहीं पता वैसे इमरान खान या नहीं। देख लेते, चेक कर लेते हैं यार, चेक करो जरा। किस यार, बाबर जो खुश हुआ है यार, मामा जो बाबर लास्ट उसने कल भी फिनिश छक्के से किया था और आज भी फिनिश छक्के से किया है, और उसको छक्का मारा है जिसके आगे स्ट्रगल करता है वो, जिस उसको छक्का मारा है जैम्पा, वो जो स्पिनर है ना उसके आगे बहुत स्ट्रगल करता है, उससे आउट हो जाता है अक्सर। गाइस आमना ना एक्चुअली इमोशनल हो गई, आपको पता है आमना क्रिकेट के लिए काफी इमोशनल है। काफी टाइम बाद हमने, इतने टाइम बाद हमने देखे है ना, लिटरली हमने हम यार 2 साल हो गए हैं, 2 साल
2022 में ही थोड़ा बहुत मतलब फाइनल में गया, थोड़ा बहुत क्या फाइनल में गया, उसके बाद यार क्या बड़े प्लेयर्स राउंड नहीं लगा रहे, लगा रहे बाबर लगा रहे, अब बाबर लगा रहे, पहले बाबर नहीं लगा रहा था ना, अब बाबर के साथ लगा रहे। भाई हम ऑस्ट्रेलिया से बस 22 साल बाद सीरीज जीते हैं, और कभी भी मैच जीते, कभी 22 साल बाद जीते, कभी 10 साल बाद की कैप्टेंसी में जीते, कभी 12 साल बाद जीते। बाबर आजम ने छक्के से फिनिश किया, नो डाउट। क्या उसने फील्डिंग सेट की, सेट की और कैप्टेंसी जो उस बंदे ने किया, और आए हाय 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 प्लेयर ऑफ द सीरीज सीरीज व्यक्ति कमाल की कैप्टेंसी, जैसे फील्ड नसीम शाह के ओवर में पीछे चार चार फील्डर स्लिप पे खड़े कर रहे हैं, और सोच उसने भी उसका एक चौका छूट गया पीछे से ही, बीच में से निकल गया बॉल, चार फील्डर्स पीछे खड़े हुए थे। मतलब भाई रिजवान ने कहा था कि मेरी अचीवमेंट, पहली अचीवमेंट ये है कि मैंने अपनी पहला गोल मेरे ये कि मैंने ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीरीज जीतनी है, और जैसे सबने फिर जीत गया वो। बाबर हैप्पी, मी हैप्पी।